मोरिया। तो आज आपको कितने खूबसूरत लग रहे हैं बंगाली ब्यूटीज़ इन साड़ी, क्या लगेंगे आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज़ आई थिंक आर फर्स्ट टाइम लाइक वी आर क्रिएटिंग दिस लुक लाइक दिस विद आई मीन दिस नौवाड़ी साड़ी विद क्या नथ नथ और क्या होता है एक्स्ट्रा लाइक बिंदी 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 हाँ बिंदी हाँ गजरा बिंदी हाँ तो ये सब कोशिश किया है। और अच्छा अभी तक हम फिंग आई मीन रिंग रिंग नहीं हाँ कोई बात नहीं हाँ मैं पहनूंगी जाके ऐसी साड़ी भी हमने पहली बार एग्जैक्टली और कल से हम लोग प्लान कर रहे थे कि रेडीमेड जाके कुछ ले लेंगे बदल लेंगे मिला नहीं एंड सेकेंडली उसने यूट्यूब देख के फुल ऑन सेटअप करके कि ऐसे कर सकते ऐसे कर सकते बट ये नद बार बार नीचे बड़ी हो गई पहली बार मैंने बोला कि चार ऑप्शंस और मतलब ऑर्डर किया था बट एनीवे कंफ्यूजन में दो ही आए ऑप्शन दोनों के लिए। अब इन दोनों में हमें लग रहे हाँ कभी कॉन्शियस हो रहे कि गिर ना जाए क्योंकि बार बार मैंने तो वीडियो में आई थिंक बार बार और उसको मैंने बोला कि साला स्टैचू बन के रह जा तो क्योंकि ये हो ओह गॉड। तो हाँ लाइक दिस इज आवर फर्स्ट टाइम कि हम बॉम्बे में हैं और एक साथ गणपति सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आज विसर्जन है तो सबको पता है कि इट्स लाइक कैलकाटा में जैसे दुर्गा पूजा होती है दुर्गा पूजा की तरह यहाँ पे गणपति एक सेकेंड ऐसे होता यूज तो नहीं हूँ तो कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं कि विसर्जन में हमें कहीं पे जाना है हाँ। हमें पता नहीं था कि जाना कहाँ पर है तो फिर पता चला कि मेरी बिल्डिंग में ही है एंड मैंने इसलिए छुट्टी ले ली और मैंने कहा कि चल एक साथ तो करते हैं कुछ तो करते हैं। कल रात से हम दोनों साथ में हैं प्लान यही कल रात को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली हम पहने तो पहने क्या करें क्या कौन सा कलर का क्या हो पाएगा कैसे पहने लेकिन रात को इस बारे में एग्जीक्यूशन हम लोगों ने किया ही नहीं एंड सुबह तक मूवी देखे 5-6 बजे सोने गए एंड फिर 12 बजे उठ के फिर मार्केट जाके और इस सब कुछ देवचंद्र मैंने खुद अपने हाथों से किया है। ऑल क्रेडिट गोज टू मी। सारी ज्वेलरी तो ठीक है वो तो ठीक से आया लेकिन ज्वेलरी छोड़ के अदरवाइज बाकी एवरीथिंग लाइज गजरा एंड मैच करके उधर देखा ये येलो रोज एंड माइन इज पिंक मतलब ये तो लिखा होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मैं बहुत शिरडी जाती हूँ तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें बुलाते हैं ना तो हम तभी हम जा पाते क्योंकि अगर हम लोग नहीं तो मैंने बहुत अभी भी मैंने जगह की मैंने हाँ बहुत प्लानिंग की है पर वो होता नहीं हुआ नहीं हाँ तभी होता है जब वो चाहते हैं कि हम आए वहाँ पे। तो आज आई थिंक विसर्जन में हम लोगों ने एक हफ्ते पहले से प्लान कर रहे थे क्योंकि 1.5 दिन के विसर्जन में जाने के लिए बहुत बार प्लान हुई थी। मैंने से कहा था कि चल कहाँ जाना है कहाँ कहीं तो जाना है ना छुट्टी मिल रही थी ना वैसा कुछ हो पा रहा था उसका भी स्केड्यूल वैसा ही था तब। तो फिर अभी ऐसा हो गया कि सडनली मुझे पता चला कि मेरी ही बिल्डिंग में है और मैंने कहा कि यहाँ पे लास्ट डे आज 17 क्या कहते हैं अनंत चतुर्थी आनंद चतुर्थी कल मैंने सुना था ये तो एग्जैक्टली तो ये था लेकिन आई थिंक हम लोग ज्यादा लेट करेंगे तो विसर्जन में नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था लेकिन बट ज्यादा ही टाइम लग गया वो पहले क्योंकि विदाउट टीम समझ में नहीं आ रहा था। टीम ये जो मतलब कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट छोड़ के मैं बोल रही हूँ कॉस्ट्यूम हम लोगों ने मिलके किया है तो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। मतलब जैसे हम रेडी हुए हैं ना वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो मजा आ जाता देखकर मजा आ जाता ऐसे प्लीज मैं कर देती हूँ मेरे सामने खड़ी हो जा तू उसकी यहाँ पे बाल बन रहे तब तक मेरा बाल हो गया। मैंने कहा कि बोल बोल यहाँ से देवचंद्र की बात सुन के उधर से अर्चना ठीक कर रही है वो सेफ्टी पे लगा रहे नहीं हो रहा है यार नहीं कर पा रहे हूँ तो ऐसे एक बार तो उल्टा हो गया फिर खोल के करके तो बट मजा आया तो बहुत मजा आया अच्छे से हुआ एंड हाँ अभी अच्छे अच्छे पिक्चर्स लेना है जो हमारे इंस्टाग्राम में आप लोग सब देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप दोनों की दोस्ती जानना चाहेंगे कहाँ से शुरुआत हुई एक्टिंग करियर में एक ही साथ ऑलमोस्ट आए हो क्या कहेंगे? इट्स बीन 8 इयर्स
8 years that we are friends and 2016 end से मतलब 17 से ही अगर मैं करूँगी तो 17 से 24 तो 8 साल हो चुके एंड हाँ 8 साल में मतलब बहुत कुछ है मतलब मैं बोल के ख़त्म नहीं कर पाऊँगी होगा भी नहीं और हाँ मतलब लाइक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम दोनों यहाँ पे अभी या मतलब बॉम्बे आने के बाद भी हम दोनों साथ में हैं एक साथ है विच इज़ अ वेरी प्योर थिंग एंड दोस्ती तो है फर्स्ट टाइम हम कलकत्ता में ही मिले थे एक्चुअली ऑड्री जी ने मुझे टेक्स्ट किया था मुझे याद है फेसबुक में मुझे लिखा था हाय कैमोना छो बंगाली में लिखा था तो तब हम तुम्हें तुम्हें करके बात करते थे अभी तो तू ही हो गया तो तू तू हो गया है क्योंकि मुझे याद है राजदक प्रोडक्शन हाँ क्योंकि वहाँ पे मैं जो सीरियल कर रही थी उसी प्रोडक्शन हाउस का वो और एक शो करने जा रही थी तो मैंने आई थिंक ऑल द बेस्ट ऐसा ही कुछ लिखा हाँ तो वहाँ से हमारी बात शुरू हुई यानी होता है ना किसी के साथ बात करते करते पता चल जाता है कि हमारी वाइफ हाँ तो फिर सेट पे तो वो हमारी वो वाइफ मैच हो गई थी फिर हम लोग मूवी देखने जाते थे तब भी लेट नाइट ही करते थे रात को 11-12 एक बजे तक करके नेक्स्ट शो पुरानी आदत था तो उसके बाद हम साथ में रहते भी थे हम हाँ एग्जैक्टली 2020 में हम साथ हम दोनों में साथ में बैठ कर ये नोजपिन को ऐसा ऐसा कर रहे हैं कैसे डांस करेंगे हम लोगों ने सोचा इतना ऊपर हो गया ना तो हाँ दोस्ती है मिरर लेके घूमना पड़ेगा नीचे देखो मैं कैसे बैठ गई यार मुझे बहुत बट दिस साड़ी इज़ वेरी कम्फर्टेबल ये मैं आई मस्ट से क्योंकि हमारी बंगाली को मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मतलब वो उसमें यू नो ऐसे जैसे मैं धोती की तरह इधर पैर उठा सकती हूँ उधर उसमें वो इतना ईजी नहीं होता है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं बस पैंट काइंड ऑफ फील हो रहा है मुझे या नाइस एक्सपीरियंस अच्छा दोस्त थे हम भूल जाते हैं ना ऐसे बातें करते क्या क्या बोल रही थी मैं याद दिला मुझे वो अद्रिजा की आदत भी है तो हाँ दोस्ती हम साथ में रहते थे उसके बाद ऐसे ही मतलब उसका भी कोई शो चल रहा था मेरा भी शो चल रहा था काम भी करते थे साथ में फिर वो मुंबई आ गई उसके पीछे पीछे मैं भी आ गई मतलब हाँ पता नहीं कैसे कैसे हो गया सब कुछ मैं आती थी पहले भी यहाँ आती थी हम रहते थे साथ में तब भी हम बात क्योंकि डॉलर यूरो नहीं आया था हाँ क्योंकि डॉलर यूरो एंड क्रंची अगर एक साथ हो गए सब तो फिर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा हम तो रह लेंगे ये अर्चना और नमिता दी पागल हो जाए तब अर्चना तो ऑलरेडी शी इज वेरी स्केयर्ड ऑफ डॉग्स लाइक बिग डॉग्स तो और बट ऑलरेडी वो बहुत क्यूट बहुत स्वीट है हाँ प्यारे तो है शरारती भी है शरारती हाँ। तो है लेकिन अर्चना को बहुत डर लगता है लेकिन हाँ देखते इसको भी कुछ तो करने के एटलीस्ट एक साथ ना हो एक आजू बाजू में फ्लैट ले लेंगे हम साथ में ही रहेंगे तू तो चाहती है ना दिमाग खाएगी मेरी दिमाग खाएगी ये हुआ है मेरे साथ ऐ बैठना बैठना सुन तुझे बात करनी है तुझसे क्या बात करनी है वो नहीं बताना है वो नहीं बताऊंगी पर दिमाग मैं जिम करती हूँ आपको पता तक नहीं है वीडियो कॉल पे तुझे कुछ बोल मैं बोल रही हूँ मैं बोल नहीं पाऊंगी मेरी सांस अटक रही है उसको बोल रही बाद में करती हूँ मैं तुझे बोलना कुछ नहीं है सुन लेना मैं बोल रही हूँ ना तू सुन ले एंड उसके जिम में जितने सारे लोग हैं सब सोच रहे हैं कि लड़की जहाँ जहाँ जा रही है मैट लेके मैं फोन को ऐसे बाहर के क्यों सेट कर रही है और मुझे झेलना भी पड़ता है इसको हाँ ये हुआ है तो फिर क्यों गई नहीं मुझे ऐसा लग रहा था हाँ अच्छा क्या ना गई फिर मैं ऐसा ऐसा चलता है मैं करने के बाद पूछती हूँ क्या मैंने ये सही किया तो उससे वो बोलती है कि अब क्या हो गया है तो क्या ही कर सकते हाँ मतलब कर तो दिया ना एडवाइस मैं शुरू में भी लेती हूँ और चीजें करने के बाद भी लेती हूँ बीच में सिर्फ खुद की सुनती है वो इसका बहुत कंप्लेन है मेरे ऊपर कि मैं इमली जब मिला था तब उन्होंने आपको बताया सेम आपको सुहागन चुड़ैल मिला था तो आपने उनको बताया था क्या रिएक्शन हाँ मैं समझी नहीं मैं मतलब अच्छा ओके शो जब मिला था ऑफ कोर्स खुशी थी बहुत क्योंकि वो भी चाहती थी कि मैं कलकत्ता से यहाँ आई बहुत चाहती थी लास्ट ईयर जब उसके लिए हाँ मैं निर्जा के लिए भी आई थी आपको पता है तो तब मेरा ऐसा था कि यार मतलब ठीक है तो मुझे ऐसा था कि बहुत जल्दी होगा जो भी होगा और बहुत अच्छा वाला होगा तो आई थिंक हमेशा बोलती थी तेरे लिए बहुत सही है एंड हाँ एग्जैक्टली मतलब एक होता है ना कि आई मीन योर को एक्टर निया शर्मा निया का बर्थडे भी है आज हैप्पी बर्थडे निया तो करेक्ट हैप्पी बर्थडे तो एग्जैक्टली तो मुझे ये लगा था कि उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत सही था एंड या आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी निकल गया हाँ मतलब हाँ मतलब वो तो मैं बाकी तो कैमरे के सामने नहीं बोलूँगी जो बोलना है पर्सनली बोलूँगी और हाँ मतलब मैं चाहती हूँ कि हम साथ में और प्रोजेक्ट्स करें कभी ऐसा हुआ कि हम दोनों एक साथ कोई शो या कोई सीरीज जो भी हो ऐसा भी हो सकता है लाइक हाँ
तो क्योंकि कैलकटा में भी हमारा एक साथ हुआ नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं हुआ, बट होगा। और एक चीज आपसे जी, इट्स अमेजिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि ऑलरेडी 8 साल से ये शो चल रहा है एग्जैक्टली। तो धीरज सर, श्रद्धा जी, बाकी मतलब शक्ति जी, शक्ति सर के साथ अभी कर रही हूँ, शक्ति और लाइक मैं सबका नाम ही इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत कुछ किया है, जिसके लिए एक शो 7-8 साल से चलना, इट्स नॉट अ, और ऊपर से टॉप जी टीवी का टॉप नंबर वन शो इज कुंडली भाग्य। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू लाइक got that, I mean got this opportunity and इसको खोल के बात करूँगी अब मैं। एंड 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 येस ऑफकोर्स कोई भी शो वो टीम वर्क होता है, किसी एक के ऊपर कभी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक साल बाद में, मतलब सेकेंड जनरेशन में मैं एक साल बाद एंट्री कर रही हूँ। एंड कैसे होता है ना कि चीज़ें कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, कैसे नहीं, बोलती भी थी तब मैं यहीं पर थी कि कैसा होगा, मैं बीच से जा रही हूँ, मतलब शुरू से नहीं हूँ वो सब, क्योंकि वो होता है ना। और ऊपर से कोई भी शो, जब एक शो 7-8 साल से चल रहा है तो वहाँ पर ऑलरेडी सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली बन जाती है। लेकिन मैं कहीं पे बाद में जा रही हूँ, हाँ मैं हूँ फैमिलियर, मैं बहुत जल्दी वो घुल मिल जाती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि कैसा क्या होने वाला है। लेकिन दे आर वेरी वेलकमिंग, आई वुड लाइक टू मेंशन देयर नेम, लाइक स्पेशली पारस बसीर, जिन दोनों के साथ मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स होते हैं, वो दोनों इतना मतलब बहुत, मतलब मैं दोनों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव, दोनों के दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम, मतलब होता है ना को-एक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, उनके साथ एक बॉन्डिंग होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे मिली हैं। इनफैक्ट डायरेक्टर सर साहिल सर, शुरू से आज तक मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड बाकी मतलब सबका नाम तो मैं अभी ले नहीं सकती, लेकिन बाकी सारे को-एक्टर्स, सारे आर्टिस्ट, इनफैक्ट हमारे मेकअप डिपार्टमेंट, हेयर डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरियल डिपार्टमेंट, सबको बोले थे थैंक यू सो मच कि इतनी जल्दी 4-5 महीने में मुझे इतना प्यार देने के लिए, एकदम फैमिली बनाने के लिए। एंड थैंक्स टू बालाजी, थैंक्स टू एकता मैम। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, जाने का प्लानिंग मेरा है, सब कुछ करना है मुझे, बस अब भी नहीं, बस मतलब 4-5 महीने हुए मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही टाइम नहीं है, मुझे और भी तैयारी की ज़रूरत है। किस लोगों को बताना तो है ना कि देव चौंद्रमा कौन है, कौन आ रही है, कोई मुझे जानते ही नहीं है यहाँ। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना है, 1 साल बाद या 2 साल बाद जाऊंगी मैं ज़रूर। हाँ, और हो सकता है हम साथ में जाएंगे। कभी बार लड़ाई होगी ना हमारी तो सीक्रेट बाहर आ जाएगी। मैं नहीं बोलूँगी कुछ, मैं भी नहीं बोलूँगी। मैंने ये कहा है इस बार अगर तू जाती बोलेंगे तो बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। नो कॉन्ट्रोवर्सी। ये तो होती है ना, कब क्या करें, फ्रेंडशिप है, ऊपर से कैलकटा से है तो जानेंगे ना एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ। अद्रिजा। हाँ ऑफकोर्स आई एम इंटरेस्टेड, बट मैं जो पहले भी कहा था कि आफ्टर कुंडली, मतलब कुंडली ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि कुंडली, जब तक कुंडली मुझे रखना चाहते हैं तब तक मैं कुंडली के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने कैलकटा में भी बहुत सारे काम मैंने किया है, यहाँ पे भी किया है, लेकिन सीरियसली बोल रही हूँ मैं, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक होता है ना कि किसी शो, किसी हाउस के साथ, किसी टीम के साथ जुड़ने के बाद लगता है कि ये दिस इज़ स्पेशल, दिस इज़ समथिंग कि आप चाहते हो, क्योंकि हम जब सीरियल, जो जितने लोग भी सीरियल करते, टीवी शोज करते, सबको पता होता है कि रोज़ काम करते करते फैमिली बन जाती है, वहाँ के सब लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप दिन के आधे से भी ज़्यादा दिन वहीं पर रहते हो, तो वो आई थिंक पीसफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मुझे कुंडली भाग्य में मिला है, तो हाँ मैं, मुझे रियलिटी शो से ज़्यादा सीरियल करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ फर्स्ट, और ऑफ कोर्स सीरियल के बाद अगर नेक्स्ट कुछ होगा, हाँ मैं डेफिनेटली आई लाइक टू, मैं बोल रही हूँ हाँ मैं जाऊँगी, लेकिन नॉट नाउ, आई नीड सम टाइम, बट उसके बाद देखती हूँ, अभी 2-3 साल तक सोच तो नहीं रही हूँ, अब पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। नहीं है, हाँ सच में नहीं, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है, 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 हाँ हेलो ठीक है, सबके साथ ही दोस्ती यारी है, गहरी दोस्ती नहीं है, गहरी दोस्ती कैसे होगी, गहरी दोस्ती तो जो भी दोस्ती है तो उनमें क्या लगता
बसीर मेरे यहाँ से दोस्त में से बोलना चाहती हूँ मैं बसीर, क्योंकि बसीर मेरे टीम से किसी का नाम लेना पड़ेगा। मैं हाँ जैन को भी भेजूंगी क्योंकि वो लड़ाई बहुत अच्छे से कर लेगी। अच्छी बहुत अच्छी लड़ाई हाँ, तो मैं बसीर का नाम इसलिए नहीं लड़ाई के लिए नहीं, बसीर को मतलब मैंने कभी रियलिटी शो वैसे देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है बसीर के बारे में एंड बसीर कॉन्फिडेंट हाँ तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड मुझे पता है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत जैसे बात करता है तो ऑफकोर्स मतलब इसमें बिग बॉस में अगर मैं बोलूँगी तो बसीर का नाम मेरे अभी तक जितने सारे फ्रेंड्स है को एक्टर्स है एक होता है ना किसी को देख के लगता है कि हाँ बसीर उसके अंदर वो पोटेंशियल है तो कैन डू इट। थैंक यू। ये अब हॉलीवुड तो बोल नहीं सकती अभी नहीं तो बोलती कि नहीं नहीं ऐसे ही चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे काम करते रहे। आप सबकी दुआ चाहिए इसके लिए, प्यार चाहिए इसके लिए एंड ऐसे ही बस कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस। मेरा हमें बस ऐसे हाँ प्यार करते रहना और यस और क्या हो गया है अब जाते हैं नीचे विसर्जन में नहीं तो विसर्जन हो जाएगा आप यहाँ पे बैठे रहेंगे। सो यार लेट्स फॉलो यू बाय।